फिल्म इंडस्ट्री, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, या दुनिया की कोई भी और फिल्म इंडस्ट्री हो, हर फिल्म इंडस्ट्री में मुट्ठी भर चार या पांच ही ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं दैट आर ग्रेट डायरेक्टर्स, राइट? सिर्फ चार या पांच ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो ऑडियंसेस का इमेजिनेशन कैप्चर कर पाते हैं, जिनके डायरेक्टोरियल एबिलिटीज के बेसिस पे ऑडियंसेस थिएटर जाना पसंद करती है, उन डायरेक्टर्स के इंटरव्यू को, उन डायरेक्टर्स की फिल्म्स के लिए एंटिसिपेट करती है, और उन डायरेक्टर्स को लुक फॉरवर्ड करती है कि भाई वो डायरेक्टर्स अगली कौन सी फिल्म बना रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो फिल्म्स बनाते हैं, दे ओनली मेक फिल्म्स दैट आर वेल डायरेक्टेड फिल्म्स, राइट? बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो ग्रेट फिल्म्स बना पाते हैं, मैजिकल फिल्म्स बना पाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स एज अ डायरेक्टर रेलिवेंट रहते हैं, विद स्टार्स, विदाउट स्टार्स, टेम्पलेट की फिल्म, टेम्पलेट के बाहर की फिल्म बनाते हैं और ऑडियंसेस का इमेजिनेशन कैप्चर कर पाते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं। प्रियदर्शन, डेविड धवन, सूरज बड़जात्या, संजय लीला भंसाली, करण जौहर, बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, बहुत कम वैसे डायरेक्टर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर दोज दे मेक फिल्म्स दैट आर वेल डायरेक्टेड फिल्म्स, राइट? अभिनय कश्यप, राइट? अभिनव कश्यप ने जिन्होंने दबंग बनाई थी, अगर वो ग्रेट डायरेक्टर होते तो दबंग के बाद भी वो कुछ अच्छी ग्रेट फिल्में, बेहतरीन फिल्में, मसाला, एंटरटेनर्स बना पाते, लेकिन वो नहीं बना पाए। डेली बेली का डायरेक्टर अभिनय देओ, अगर वो एक ग्रेट डायरेक्टर होते तो डेली बेली के बाद भी उन्होंने जो फिल्में बनाई वहां पे वो एंटरटेनमेंट क्वालिटी, एंटरटेनमेंट वैल्यू उन फिल्म्स में जुड़ा होता, राइट? अगर आप कुणाल कोहली को लोगे, संजय गादवी को लोगे, देयर आर सो मेनी पीपल यार जिन्होंने एक दो फिल्में अच्छी बनाई, लेकिन तीसरी फिल्म, चौथी फिल्म, पांचवी फिल्म में उनकी जो एबिलिटी थी ऑडियंस को सरप्राइज करने की, ऑडियंस को एंटरटेन करने की, वो उस एबिलिटी में ऑडियंसेस को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो पाए, राइट? देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर ग्रेट डायरेक्टर्स, हु आर गुड डायरेक्टर्स। मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स आर दोज हु मेक वेल डायरेक्टेड फिल्म्स, राइट? ये होता है, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, राइट? फराह खान ने मैहूना बनाई। मैहूना एक लव्ड फिल्म है, एक कल्ट फिल्म है। आप किसी भी इंसान से पूछोगे कि शाहरुख खान की तीन फेवरेट फिल्म आपकी क्या है, लोग उसमें डीडीएलजे को गिनेंगे नहीं गिनेंगे, बाजीगर को गिनेंगे नहीं गिनेंगे, वीर ज़ारा को गिनेंगे नहीं गिनेंगे, आई डोंट नो, लोग मैहूना को जरूर उसमें इंक्लूड करेंगे। इट्स अ लव्ड फिल्म, इट्स अ कल्ट फिल्म, इट्स अ क्लासिक फिल्म, यू नो, रिकॉल वैल्यू है, इमर्सिव एक्सपीरियंस है, भाई की कहानी है, माँ बेटे की कहानी है, बाप बेटे की कहानी है, देशभक्ति, यू हैव एवरीथिंग इन द फिल्म, राइट? म्यूजिकली फिल्म बहुत हाई है। देन फराह खान ने एक फिल्म बनाई ओम शांति ओम, जो कि बिमल रॉय की फिल्म मधुपति से हाईली इंस्पायर्ड है। मैहूना और ओम शांति ओम दोनों ही ब्लॉकबस्टर्स थी। उसके बाद फराह खान ने अक्षय के साथ एक फिल्म बनाई तीसमार खान, विच वॉज अ टेरिबल टेरिबल फिल्म, आई थिंक 2000s की सबसे टेरिबल फिल्म अगर किसी सुपरस्टार की कोई थी तो आई थिंक दैट वॉज तीसमार खान। एंड देन फराह खान के हस्बैंड शीर्ष कुंदर ने अक्षय के साथ एक फिल्म बनाई जो कि 2010s की सबसे टेरिबल फिल्म है, फिल्म का नाम था जोकर। फराह खान ने उसके बाद शाहरुख खान के साथ हैप्पी न्यू ईयर बनाई, 2014 में हैप्पी न्यू ईयर आई थी, अभी 2024 चल रहा है, 10 साल हो गए हैं, फराह खान एक भी और फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाई है। फराह खान पिछले 6 साल से, 5.5-6 साल से ऋतिक रोशन को चेस कर रही हैं। उन्होंने सत्ते पे सत्ता, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म है सत्ते पे सत्ता, उसके रीमेक राइट्स खरीदे हैं। वो ऋतिक रोशन को पिछले 5.5-6 साल से कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि ऋतिक उनकी फिल्म कर लें, और फराह ने ऋतिक को ये दुहाई भी दी है कि आपकी पहली फिल्म कहो ना प्यार का गाना मैंने कोरियोग्राफ किया था, क्योंकि कहो ना प्यार के जो कोरियोग्राफ सॉन्ग्स है वो कल्ट सॉन्ग्स है, राइट? अगर आप प्यार की कश्ती में का कोरियोग्राफी देखोगे, एक पल का जीना का कोरियोग्राफी देखोगे, कहो ना प्यार का टाइटल ट्रैक का कोरियोग्राफी देखोगे, कल्ट कोरियोग्राफी है। बहुत हेल्प किया ऋतिक रोशन को उस कोरियोग्राफी ने। फराह खान इस चीज की दुहाई भी ऋतिक को दे चुकी है, लेकिन ऋतिक उनकी फिल्म को कमिट नहीं कर रहे हैं। फराह बाद में सेम सत्ते पे सत्ता का रीमेक लेकर के शाहरुख खान के पास पहुंची। शाहरुख ने दोस्ती की वजह से ये कहा कि भाई मैं आपकी फिल्म में को प्रोड्यूसर बन सकता हूं, लेकिन मैं सत्ते पे सत्ता जिसको आप डायरेक्ट करोगे उसमें लीड हीरो नहीं प्ले कर पाऊंगा। एंड इस वजह से फराह खान एक भी फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पा रही है। हकीकत यह है यार कि देखो, शाहरुख खान के बारे में सब कोई जानता है कि शाहरुख खान ने कभी भी किसी भी ऐसे डायरेक्टर की फर्स्ट फिल्म नहीं की है जो शाहरुख का दोस्त ना हो। शाहरुख ने हमेशा ही किसी डायरेक्टर की फर्स्ट फिल्म तभी की है जब वो शाहरुख के बहुत करीबी दोस्त हो, राइट? आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, फराह खान, जब ये शाहरुख के बहुत करीबी दोस्त थे तभी शाहरुख ने इनकी फिल्म्स की। अदरवाइज शाहरुख ने शायद ही किसी डायरेक्टर की फर्स्ट फिल्म की है कंसिडरिंग कि वो शाहरुख का दोस्त ना रहा हो। दैट्स नॉट हाउ शाहरुख खान वर्क्स, दैट्स नॉट हाउ शाहरुख खान वर्क्स। अगर फराह खान की शाहरुख खान से दोस्ती नहीं होती तो फराह खान की डायरेक्टोरियल फिल्म जो उनका डेब्यू था एज अ डायरेक्टर मैहूना, उसमें शाहरुख खान नहीं होते। शाहरुख खान ने वो फिल्म की, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। जाहिर सी बात है, एक हीरो और एक डायरेक्टर की फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई तो वो दोबारा कंबाइन करेंगे। उन दोनों ने ओम शांति ओम बनाई जो कि मैहूना के लेवल की फिल्म नहीं थी बट स्टिल वेरी एंटरटेनिंग फिल्म। वो फिल्म 2007 की सबसे बड़ी ग्रॉसर थी, लेकिन उसके बाद फराह खान का जो करियर है एज अ डायरेक्टर वो नीचे गिरा ही है यार। उनके जो क्वालिटी था मैहूना और ओम शांति ओम का, उन दोनों फिल्म से आप तीसमार खान और हैप्पी न्यू ईयर को कंपेयर नहीं कर सकते हो। फराह खान की डायरेक्टोरियल एबिलिटीज पूरी तरह से एक्सपोज हो गई आफ्टर हैप्पी न्यू ईयर, और कोई भी सुपरस्टार के साथ काम नहीं करना चाहता, कोई भी सुपरस्टार के साथ काम नहीं करना चाहता। फराह खान अब थोड़ी बिटर भी हो गई है, वो
तंज भी ले रही हैं धीरे से शाहरुख खान के ऊपर, सलमान खान के ऊपर, आदित्य रोशन के ऊपर, इशारों इशारों में, क्योंकि सीधी सी बात है यार, वो 10 साल से कंसिडरिंग की डीप इंडस्ट्री कनेक्शन है और यू नो बहुत करीबी दोस्ती है उनके ऋतिक और शाहरुख से, लेकिन कोई उनकी फिल्म नहीं कर रहा, कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन यार हकीकत यह है कि फारा खान कोई डायरेक्टर नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, देर आर वेरी फ्यू पीपल दैट आर ग्रेट डायरेक्टर्स, राइट, जो फिल्म का मटेरियल देखते हैं, उस मटेरियल में विद स्टार्स या विदाउट स्टार्स वो अच्छी फिल्म बनाने की काबिलियत रखते हैं, वैसे बहुत कम लोग हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वो ये चाहते हैं कि भाई कोई सुपरस्टार हमारी फिल्म कर ले ताकि हमारा बॉक्स ऑफिस जनरेट हो जाए और हम अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खान समझे, राइट। फराह खान की ओम शांति ओम जब बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, उसके बाद फराह खान ने संजय लीला भंसाली पे भी तंज किया था, राइट, कि संजय लीला भंसाली को ओम शांति ओम से नहीं टकराना था, हमारी फिल्म तो ब्लॉकबस्टर होने ही वाली थी। फराह ने इशारों इशारों में उस टाइम ये भी कहा था कि भाई मैं यू नो संजय लीला भंसाली से अच्छी डायरेक्टर हूँ, विच डज नॉट मेक एनी सेंस यार। संजय लीला भंसाली सांवरिया के बाद एक भी अच्छी फिल्म नहीं बनाते तो भी संजय भंसाली और फराह खान की डायरेक्टोरियल एबिलिटीज का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, राइट। लेकिन क्योंकि सक्सेस आपको अथॉरिटी देती है, ओम शांति ओम ब्लॉकबस्टर हुई थी, सांवरिया बहुत बड़ी फ्लॉप थी, तो फराह खान ने भंसाली के ऊपर तंज भी लिया, कटाक्ष भी किया, बहुत अगली स्पैट हुआ था सांवरिया वर्सेस ओम शांति ओम का, और फराह खान ने भंसाली के ऊपर बहुत से कॉमेंट भी किए थे, लेकिन बाद में फराह खान की डायरेक्टोरियल एबिलिटीज एक्सपोज हो गई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मोस्ट ऑफ द पीपल आर दोस हु मेक वेल डायरेक्टेड फिल्म्स, राइट। अगर आप एक अच्छा डायरेक्टर हो तो आपको मल्टीपल अच्छी फिल्में बना लेनी चाहिए। द फैक्ट कि आप मल्टीपल अच्छी फिल्में नहीं बना पा रहे हो, द फैक्ट कि अभिनय देव या अभिनव कश्यप या कुणाल कोहली या संजय गादवी एक दो से ज्यादा अच्छी फिल्में नहीं बना पाए हैं, दिस शोज यू यार कि उनके पास वो डायरेक्टोरियल फ्लूइड्स नहीं है, वो क्रिएटिविटी नहीं है। फराह खान अक्षय कुमार को अगर 5 साल तक केस करती, अक्षय उनकी फिल्म कर भी लेते, अक्षय उनकी फिल्म कर भी लेते। अक्षय वेरी क्लोज टू साजिद खान, साजिद खान के रिकमेंडेशन पे फराह ने उनको कास्ट किया था कीसमार खान पे, राइट। अक्षय को अगर वो 5 साल चेस करती तो अक्षय उनकी फिल्म कर भी लेते, लेकिन द थिंग इज कि फराह को पता है कि अक्षय की फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी तो मैक्सिमम 200 करोड़ कमाएगी, और शाहरुख की फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी तो वो 350 करोड़ कमाएगी, ऋतिक की फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी तो 350 करोड़ कमा सकती है, और वो जो करोड़ का एंगल है वो फराह खान को बार बार मजबूर कर रहा है शाहरुख और ऋतिक को चेस करने के लिए, राइट। और इसलिए फराह की फिल्म नहीं बन पा रही, और फराह की फिल्म नहीं बन पा रही यार, हकीकत यह है कि फराह खान इतना तो फराह का नाम है, इतने कनेक्शंस हैं कि वो एक छोटी फिल्म भी बना सकती हैं। अगर उनके अंदर वो डायरेक्टोरियल कीड़ा है कि भाई मेरे को फिल्म बनानी है, मेरे को डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठना है, आप एक छोटी फिल्म बना सकती हो कुणाल खेमू के साथ, शर्मन जोशी के साथ, यू नो दिव्येंदु के साथ, एक छोटी फिल्म आप बना लो यार। प्रियदर्शन ने अगर भूल भुलैया में अक्षय के साथ मैजिक किया है, गरम मसाला में अक्षय के साथ मैजिक किया है, हेरा फेरी में अक्षय के साथ मैजिक किया है, अगर उन्होंने अक्षय खन्ना के साथ हंगामा में मैजिक किया, हलचल में मैजिक किया है, तो उन्होंने अक्षय खन्ना और अक्षय कुमार के बिना मालामाल की फिल्म में भी प्रियदर्शन ने मैजिक किया है, राइट। और उन्होंने ढोल में भी मैजिक किया विदाउट अक्षय कुमार, विदाउट अक्षय खन्ना, राइट। अगर वो अच्छे डायरेक्टर तो अच्छी फिल्म बना सकते हैं विद स्टार्स विदाउट स्टार्स, राइट। अगर फराह खान को फिल्म बनानी है, अगर फराह खान को अपना डायरेक्टोरियल कीड़ा को यू नो पूरा करना है, तो यार आप फिल्म एक छोटी फिल्म बना सकती हो, लेकिन जाहिर सी बात है छोटी फिल्म बनाओगी तो फिर सब कुछ फिल्म पे आता है, वो फिल्म मैजिक हो, लोगों तक कनेक्ट हो, क्योंकि अगर फिल्म मैजिक नहीं हुई तो उसके बाद फराह खान का कोई फिल्म नहीं करेगा। अभी तो फराह ये कह सकती है ना कि भाई मेरी हैप्पी न्यू ईयर इतनी बड़ी हिट फिल्म थी तो यू नो आप मेरी फिल्म करो, लेकिन अगर फराह एक छोटी फिल्म बनाएंगी तो वहां पे यही सब कुछ इसी चीज पर डिपेंड करता है कि भाई फिल्म बहुत अच्छी बने, राइट। ढोल जैसी फिल्म बने या धमाल जैसी एक छोटी फिल्म अच्छी बने, लोग उसको पसंद करें, क्योंकि अगर वो भी नहीं हुआ और फिल्म फ्लॉप हो गई तो जाहिर सी बात है फराह का करियर एज अ डायरेक्टर खत्म हो जाएगा, और ये चीज फराह खान को पता है। फराह खान आराम से अक्षय कुमार या अजय देवगन को चेस कर सकती है, चांसेस है कि वो उनकी फिल्म कर भी लेंगे, लेकिन फराह को पता है कि अजय और अक्षय का ब्लॉकबस्टर स्टेटस आपको 150-200 करोड़ दिला सकता है आज की डेट में, और शाहरुख और ऋतिक का ब्लॉकबस्टर स्टेटस आपको 350 करोड़ दिला सकता है, और फराह खान अपने आपको देखना चाहती है वही यू नो टॉप रोहित शेट्टी काइंड ऑफ अ डायरेक्टर के वे में कि भाई मेरी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे इतना धूम मचाती हैं, और इसलिए वो शाहरुख और ऋतिक को चेस कर रही हैं, और शाहरुख और ऋतिक इस पॉइंट इन टाइम पे सिर्फ सुपरस्टार व्हीकल्स कर रहे हैं, और उनको अच्छे से पता है कि फराह खान उतनी काबिल डायरेक्टर नहीं है, और इसलिए फराह खान की बात नहीं बन पा रही है, फराह खान की बात नहीं बन पा रही है। और यार ये हिंदी फिल्म की सच्चाई है, हिंदी फिल्म की सच्चाई है, फराह खान के पास यू नो जितने भी पैसे हैं, जितनी भी उनकी डायरेक्टोरियल एबिलिटीज और उनका एक प्रोडक्शन हाउस भी है, भाई उनके पास एक ही रीमेक है, राइट, सत्ते पे सत्ता। हो सकता है वो बहुत अच्छी फिल्म उस पर बने भी, लेकिन यार आपके पास कोई भी पेपर पे लिखा हुआ कहानी हो, आपके पास किसी के भी रीमेक राइट से, वो फिल्म बनेगी तो तभी यार जब कोई हीरो उसको ओके करेगा। कोई हीरो अगर आपकी कहानी को ओके नहीं करेगा, आपकी कहानी नहीं बनेगी, ये नहीं हो सकता। लगान फिल्म अगर आमिर खान ओके नहीं करते, वो फिल्म नहीं बनती। वो फिल्म तो वैसे भी कोई स्टार या सुपरस्टार करने नहीं वाला था, या तो आमिर उस फिल्म को करते या वो फिल्म कभी नहीं बनती। आज आप देख के बोल सकते हो यार क्या कमाल की फिल्म है, कोई भी कर लेता, लेकिन यार उन लोगों को डिसाइड तो तब करना है जब वो पर्चे पे कहानी सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तब उनको डिसाइड करना होता है कि पर्दे पे ये ट्रांसलेट होगा नहीं होगा, उसके वजह से वो हाँ या ना करते हैं। आपकी कहानी कितनी भी अच्छी है, कितनी भी बुरी हो, अगर हीरो का उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपकी फिल्म बनेगी नहीं। अगर यूनिडायमेंशनली फराह खान ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं सत्ते पे सत्ते का रीमेक लेकर ऋतिक के पास जाऊंगी, शाहरुख के पास जाऊंगी, सलमान के पास जाऊंगी, वो लोग कर लेंगे दोस्ती यारी के नाते,
तो फिर यही हो सकता है कि दोस्ती यारी के नाते या तो वो करें या तो वो फिल्म कभी बनेगी नहीं, राइट। और फराह को अक्षय के साथ काम नहीं करना, उसका रीजन यही हो सकता है भाई कि अक्षय कुमार का ब्लॉकबस्टर स्टेटस आपको 200 करोड़ ही दिलाएगा, और अक्षय फराह अपने आप को देखना चाहती है रोहित शेट्टी या सिद्धार्थ आनंद का जो इस वक्त तबका है, या एटली का जो तबका है, 500 करोड़ 400 करोड़ की फिल्म फराह खान की थी वगैरह वगैरह, राइट। ये चीजें हैं यार, ये चीजें हैं। इनफैक्ट फराह खान का ऐसा कोरियोग्राफर भी अगर आप ग्राफ देखोगे, उन्होंने कुछ बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की है लेकिन पिछले 5 साल में कोई उनको एज अ कोरियोग्राफर भी काम नहीं दे रहा। जो सुशांत की लास्ट फिल्म थी दिल बेचारा, उसका जो टाइटल ट्रैक था दिल बेचारा, उसके लिए फराह खान को फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला, उसके बाद भी कोई इनको काम नहीं देना चाहता, राइट। चलिया पिछले साल जो गाना आया है फ्रॉम द फिल्म जवान चलिया गाना, उसकी कोरियोग्राफी इतनी अच्छी है, उसके बावजूद फराह को कोई गाने नहीं देना चाहता, राइट। मुकेश छाबरा की फिल्म थी दिल बेचारा, मुकेश छाबरा इज वेरी क्लोज टू फराह खान, इसलिए वो उस फिल्म की कोरियोग्राफी की होंगी। शाहरुख की फिल्म थी जवान, शाहरुख इज क्लोज टू फराह, इसलिए वो चलिया सॉन्ग की कोरियोग्राफी की थी। एंड देन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जो 5 साल पहले रिलीज हुई थी, उसका हुकअप सॉन्ग, उसकी कोरियोग्राफी फराह ने की थी। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे एज कोरियोग्राफर भी, तो फराह का ग्राफ अब नीचे ही जा रहा है। उसका रीजन ये यार कि इंडस्ट्री स्टीरियोटिपिकल है, राइट। फराह ने करीना, प्रियंका, कैटरीना वगैरह के साथ काम किया था, और प्रियंका, कैटरीना, करीना आज की डेट में कन्वेंशनल हीरोइंस की गिनती में नहीं है, राइट। और इंडस्ट्री को यही लगता है कि भाई आलिया भट्ट और यू नो जो कियारा आडवाणी जैसी हीरोइंस आ रही है, शायद फराह इज नाउ अप्रोचिंग 60, तो शायद फराह के पास वो विजन नहीं होगा, राइट। ऑल्दो फराह का काम खराब नहीं है, चलिया गाने की कोरियोग्राफी खराब नहीं है, हुकअप सॉन्ग की कोरियोग्राफी खराब नहीं है, यू नो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में और भी आई थिंक एक गाना उन्होंने कोरियोग्राफ किया, उनका कोरियोग्राफी खराब नहीं है। लवली सॉन्ग जो था उन्हीं की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का, राइट, उसमें तो बाल झटकने वाला जो मेन हुक स्टेप है, राइट, सो अपीलिंग टू द आईज, सो अपीलिंग टू द आईज। तो ये दिखाता है कि फराह खान अपने जो कोरियोग्राफी के जो उनके फ्लूइड्स है, क्रिएटिव फ्लूइड्स, उसको लूज नहीं किए, बट इंडस्ट्री स्टीरियोटिपिकल है। इंडस्ट्री को ये लगता है कि फराह खान अब 60s को अप्रोच कर रही हैं, तो शायद यू नो वो नई लड़कियों को कोरियोग्राफ नहीं कर सकती कंटेम्प्रेरी सॉन्ग्स में। ये चीज सरोज खान के साथ भी हुई थी, जब सरोज खान अपने 60s को अप्रोच कर रही थी तो सबको यही लगा था कि अरे वो माधुरी और श्रीदेवी और रवीना के साथ काम करती थी, करिश्मा कपूर के साथ काम करती थी, करीना और कैटरीना को कोरियोग्राफी नहीं करा सकती, जबकि सरोज खान ने ये इश्क हाय गाना जो है फ्रॉम द फिल्म जब वी मेट, उसकी भी कोरियोग्राफी कितनी सुंदर की थी। लेकिन इंडस्ट्री वर्क्स इन अ वेरी फनी वे यार, इंडस्ट्री वर्क्स इन अ वेरी फनी वे। फराह खान इज अप्रोचिंग 60, एज अ कोरियोग्राफर भी उनको काम मिलना कम हुआ है, एज अ डायरेक्टर उनकी फिल्म कोई करना नहीं चाहता, वो छोटी फिल्म बनाना नहीं चाहती, और यू नो ऐसे में तो फिर बात नहीं बन सकती, फिर क्या हो सकता है, फिर कुछ नहीं हो सकता। बट दिस द वे इट इज, दिस द वे इट इज, राइट। फराह अपने रिसेंट इंटरव्यूज में सुपरस्टार्स के ऊपर कमेंट भी कर रही है, किसी का नाम नहीं ले रही है लेकिन इशारों इशारों में वो कमेंट कर रही है, कटाक्ष कर रही है, शी इज वेरी क्लोज टू शाहरुख, सलमान, ऋतिक, तो वो हल्का फुल्का मजाक कर भी सकती है उनको लेके, बट द रियलिटी की आप दोस्ती यारी के नाते इस वक्त शाहरुख और ऋतिक आपकी फिल्म नहीं करेंगे। वो लोग वैसे भी सुपरस्टार व्हीकल्स करते हैं, बहुत सेलेक्टिव है अपनी फिल्म में, ऋतिक तो बहुत ज्यादा ही सेलेक्टिव है, और ऋतिक ने 6 साल से कमिट नहीं किया, राइट। फराह खान ने ऋतिक को ये भी दुहाई दी कि आपकी डेब्यू फिल्म में मैंने इतनी अच्छी कोरियोग्राफी की थी, आप मेरी हेल्प कर दो दिस एंड दैट, बट ऋतिक इज नॉट विलिंग टू डू द फिल्म, राइट। एंड दैट्स द वे इट इज। चलो बाय।